हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल लासा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप IRCTC से टिकट बुकिंग का काम करते हैं तो IRCTC से रिलेटेड तीन लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ में लेकर आया हूं। पहला लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो होगा वो कुंभ मेले को लेकर स्पेशल ट्रेन के बारे में होगा। दूसरा लेटेस्ट अपडेट होगा ट्रेन 18 के बारे में। तीसरा लेटेस्ट अपडेट होगा इंडियन रेलवे के फेयर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, क्या कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें पहला लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कुंभ मेले को लेकर के 22 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। यहाँ पर आपको नीचे इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा पूरी लिस्ट और साथ ही साथ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप IRCTC की साइट पर विजिट करेंगे और यहाँ पर अलर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, स्पेशल ट्रेन वाले ऑप्शन पर, यहाँ आपको मिल जाएगी सारी जानकारी ट्रेनों की, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर आप जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो ट्रेन 18 के बारे में। ट्रेन 18 के बारे में मैंने इससे पहले भी अपडेट दिया था। इस ट्रेन में कैटरिंग का स्पेस यानी किचन का स्पेस जो दिया गया काफ़ी छोटा दिया गया, इसकी वजह से आपको लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता हूँ। तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन 18 ट्रेन को पटरी पर उतारने की गति धीमी पड़ी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ट्रेन 18 अभी तक नहीं कन्फर्म हो पाया है कि किस डेट में चलेगी। ये इसी वजह से कन्फर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका किचन काफ़ी छोटा है, ऐसे में खाने पीने की चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ था कि ट्रेन 18 के बारे में काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और खड़ी हो गई है दोस्तों, क्योंकि इसकी डेट कन्फर्म नहीं हो पा रही कब से ये चलाई जाएगी। ये समस्या का हल जब होगा तभी ट्रेन 18 चलाई जाएगी। दोस्तों, तीसरा अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं रेलवे का फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। तो यहाँ पर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के बारे में कि बहुत ही जल्दी 15 ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि 15 ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के बारे में, ये लेटेस्ट अपडेट है कि फ्लाइट का टिकट आदमी करा लेता था लेकिन दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में टिकट नहीं कराता था, क्योंकि फ्लेक्सी फेयर की वजह से फ्लाइट का टिकट और ट्रेन का टिकट लगभग सेम रेट में हो जाता था। तो ये नियम जो लागू हो रहा है 15 मार्च 2019 से लागू हो रहा है, 15 मार्च 2019 के बाद अगर आप दुरंतो और राजधानी में जिनमें ये सिस्टम खत्म किया गया उनमें अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको फ्लेक्सी फेयर नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।